आप 4.3 पर चलते हैं स्टूडेंट, तो आप उसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, वो कैसे सॉल्व होती है तो आप देखते जाइएगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप ए के से बी का स्लोप लेंगे तो इसे एम वन कहे, तो स्लोप कैसे लेते हैं, वाई टू क्या है आपका फाइव, वाई वन क्या है प्लस थ्री, और ये आपका वन और ये प्लस वन, ये क्या आ जाएगा एट ओवर टू, ये करके फोर आया। इस तरह एम टू का स्लोप लेंगे तो बी सी का स्लोप आप उसे एम टू कह रहे, तो इसको भी यही लिखेंगे फाइव नाइन प्लस माइनस फाइव और इस तरह टू माइनस वन, तो ये क्या देगा फोर और वन, ये फोर आ गया। तो स्टूडेंट क्या इन स्लोप का जो आप इक्वल ही आ गया एम वन इज इक्वल आ गया एम टू, खुला आ रहा है ये स्लोप पैरेलल है, तो अगर स्लोप का जो आप इक्वल आ जाए तो पैरेलल, अगर जो आप इक्वल ना आए तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो अगर माइनस वन दे तो वो परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपने ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है फाइंड द केस ऑफ डैट यानी ए बी सी, तो और सी डी आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, आपने ए बी का स्लोप लेना है स्टूडेंट और सी डी का स्लोप लेना है, दो स्लोप एम वन और एम टू आ जाएंगे। जब आप पैरेलल कहेंगे तो इक्वल आके फिर के निकालेंगे, जब आप परपेंडिकुलर कहेंगे तो इन दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके तो फिर आप माइनस वन के इक्वल रखेंगे और इस तरह के निकालेंगे। ये आपका काम है स्टूडेंट, फोर वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। आप फाइव वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है स्टूडेंट, सिक्स वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही है, सेवन वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही है, टेन एट नाइन, और हमारा काम जो है स्टूडेंट
वो अब आ गए 10 पर, फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सो उसे हम इक्वेशन पर काम करेंगे, तो अब इक्वेशन पर काम स्टार्ट करते हैं। फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन बना लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए स्टूडेंट, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अच्छा, इक्वेशन का आपको फार्मूला आना चाहिए, इक्वेशन का फार्मूला बताने लगा हूं, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन बनाने का फार्मूला है। m स्टैंड फॉर स्लोप होती है, m स्टैंड फॉर स्लोप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि आपको पॉइंट दिए गए हैं, a आपको दे दिया गया माइनस सिक्स और फाइव, और स्लोप भी आपको m भी दे दिया गया है। आप इक्वेशन बना, अच्छा ये जो पॉइंट देता है ना, ये एक्स मान और वाई मान होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिए स्टूडेंट। y और x की वैल्यू भी आपने पुट करनी करनी जब इक्वेशन बनानी है। तो आप जब y, ये x मान माइनस वाई मान, तो माइनस फाइव इज इक्वल टू m की जगह 7 लिखोगे और x माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब ये देखिए y माइनस फाइव ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 7x प्लस 42, तो ये इधर ले आए, तो ये y माइनस 7x और ये माइनस फाइव माइनस 42 इज इक्वल टू 0, y माइनस 7x ये माइनस 47, ये आपके सामने एक इक्वेशन बना दिया है। तो स्टूडेंट आप इस इक्वेशन को बना सकते हो, आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। तो आपने इसे देख लिया, ये आपके सामने एक इक्वेशन। अच्छा, 10 वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 11 वाले में आ गए कि 11 वाला क्वेश्चन पास नहीं करते, तो आगे वाले सारे सेम टू सेम फाइंड एन इक्वेशन में आ जाता है। तो स्टूडेंट जेब में रखिए, जब भी आपको नाम क्वेश्चन आता है 4.3 तक आता है, तो आगे से 4.34 और 4.5 में से नाम नहीं आता, तो आपने 4.3 को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। जो आपने तो 4.4 और 4.5 में से आगे वाले नाम के साथ पोर्शन के साथ होता है, तो लिहाजा हमने पहले 4.3 को अच्छे तरीके से हमने पिक करना है, तो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो लिहाजा अब 11 बार क्वेश्चन देखे, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाईसेक्टर साइड। अच्छा, इक्वेशन बना लिया आपने फिर क्वेश्चन नंबर 11 में, तो अब देखिएगा क्या होगा कि इसमें सेगमेंट आपको ए और बी दे दिया गया, ए आपको दे दिया गया 3 और 5 और बी आपको दे दिया गया 9 और 8। स्टूडेंट जब वो वर्टेक्स दे देंगे, तो आपने पहले इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए, वाई वन एम भी चाहिए और एक्स वन भी चाहिए स्टूडेंट। अब मुझे पता है कि जो पहले पॉइंट होते हैं एक्स वन और वाई वन होते हैं, एक्स वाई वन तो एक्स वन मिल गया, स्लोप चाहिए, तो मैंने इन दोनों में से स्लोप फाइंड करनी है, फाइंड करना है, तो वो क्या फार्मूला होता है, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू क्या मेरे पास, वो स्टूडेंट 8 है, वाई वन क्या मेरे पास 5 है, एक्स टू क्या मेरे पास वो 9 है और ये 3 है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा मेरे पास ऊपर 3 और ये 6, ये 1/2 आ गई स्लोप मेरे पास स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि आपके पास स्लोप 1/2 आ गई, तो फाइंड एन इक्वेशन परपेंडिकुलर द स्लोप। अच्छा, जब वो स्लोप को परपेंडिकुलर क्या है, जब स्लोप को परपेंडिकुलर करना हो ना स्टूडेंट, तो इसको उल्टाते भी हैं और माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो माइनस 2 आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर स्लोप होती है। अब आपके पास स्लोप ही आ गई, अब आए माइनस वाई वन के आपके पास 5 है और m क्या है माइनस 2, x माइनस एक्स वन क्या है 3 है, तो अब ये 5 माइनस ये माइनस 2x प्लस 6 ये इधर ले आए, y माइनस 5 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये y प्लस 2x ये माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपने इक्वेशन बना दी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट, समझ आई है कि नहीं आपको। अच्छा, जो स्टूडेंट 20 से जो क्वेश्चन है हमने नहीं सॉल्व कर दिए,
अच्छा 11 वाला क्वेश्चन आपने देख लिया स्टूडेंट। अच्छा वाई वन आपने इसको कैसे लेना है, तो अब वाई वन को आप सॉल्व, उसने कहा है कि बाइसेक्ट द मेन अंदर फाइनल इक्वेशन पर पेंडिंग बाइसेक्ट द सेगमेंट। अच्छा स्टूडेंट 11 वाला क्वेश्चन मैंने सिंपल ऐसे कर दिया है, लेकिन उसने बाइसेक्ट कहा था, बाइसेक्ट का मतलब है कि मिड पॉइंट फाइंड करना, तो स्टूडेंट मैं प्रॉपर उस तरह नहीं कर रहा, ठीक है। आपको बस हिंट दी है कि अगर वो कहे कि आपको दो वर्टेक्स दे दिए हैं, उसकी स्लोप फाइंड करो, उसकी परपेंडिकुलर स्लोप करो, उसमें से इक्वेशन, मैंने बाइसेक्ट का नहीं लफ यूज किया इसमें, तो लिहाजा आप ऐसे कर सकते हैं। अगर वो बाइसेक्ट कहेगा तो मिड पॉइंट फाइंड कर देंगे इन दोनों के, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट होंगे वो एक्स वन और वाई वन होगा, इसमें पुट करके आपने तो उससे भी इक्वेशन बना सकते हैं स्टूडेंट। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, तो लिहाजा आप 12 वाला क्वेश्चन, 13 वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है। मैं लास्ट इसके बाद आप 15 तक करेंगे स्टूडेंट, आगे जो 16, 17, 18, 19, 20 आप नहीं करते तो आप लोग भी नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट आप हमने सीधा किस में जाना है, जो क्वेश्चन नंबर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।